हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि फाउंडेशन क्रैकी क्यों हो जाता है, फेस क्यों नहीं अच्छे से सेट होता है। तो हम इस वीडियो में इसी पे बात करने वाले हैं। रोज़िप का सिरम आप जीत सकते हैं, गुड वाइब्स से है जो, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, NYBA के प्रोडक्ट्स हैं, गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स हैं, पर्पल के प्रोडक्ट्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं मैं आपको वो देने वाली हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, मेरे गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है और उन सारे रूल्स को फॉलो करना है। मेरा फर्स्ट गिव अवे का विनर अनाउंस हो चुका है, सेकंड विनर अभी बकाया है फर्स्ट गिव अवे में, और सेकंड गिव अवे भी चल रहा है। तो दो गिव अवे चल रहे हैं, अगर आप एक में विन नहीं करते हैं तो दूसरे में डेफिनेटली विन कर सकते हैं। सो गाइज, जल्दी से आप जाइए और मेरे चैनल पर चल रहे गिव अवे में फायदा उठाइए और बहुत सारे गिफ्ट जीतिए। हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे हमें डिस्कस करना ही चाहिए 110%। क्यों गाइस, मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो मेरी स्किन ब्लैक पड़ जाती है, मेरा फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाता है, मेरा फेस जो है वो फ्लॉलेस नहीं लगता, मेकअप उतना ग्लोई नहीं दिखता, क्यों उतना अच्छे से सेट नहीं होता है, मेकअप करते टाइम वो पैची क्यों दिखता है, क्रैक क्यों दिखते हैं, लाइन्स दिखने लग जाती हैं, जो लॉफिंग लाइन्स होती हैं वो दिखने लग जाती हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे गाइस, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कभी भी जब भी हम फाउंडेशन को सेट करने के लिए जाते हैं तो वो उतने अच्छे से सेट नहीं होता है, तो ऐसा क्यों होता है, हम जो हमारा बेस है वो ग्लोई क्यों नहीं होता है। पार्लर में हम मेकअप करवाते हैं तो वो बहुत अच्छा मेकअप होता है, सेट रहता है, दूसरा चीज़ वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, लॉन्ग टाइम तक चलता है, वो लोग अगर नॉर्मल प्रोडक्ट्स के साथ भी मेकअप करते हैं तब भी बहुत अच्छा ग्लो आता है। सो गाइज, मैं आपको बोलना चाहूंगी प्रोडक्ट के साथ साथ आपको टेक्निक पे भी ध्यान देना होगा। मेन चीज होता है टेक्निक। अगर आपका टेक्निक अच्छा है तो आप मेकअप को अगर थोड़ा कम, मतलब बहुत अफोर्डेबल ब्रांड से भी अगर हम प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं, बट अगर आपका टेक्निक अच्छा है तो आप मेकअप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और वो फर्स्ट गिव अवे में फर्स्ट विनर हो चुके हैं जो कि सिफा जाफरीन है, और सेकेंड जो गिव अवे है वो भी स्टार्ट हो गया है, और फर्स्ट गिव अवे का सेकेंड विनर भी बाकी है। सो गाइस, आई होप आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और आप फ्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी आप पार्टिसिपेट करेंगे आपको बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मैंने फर्स्ट विनर जो था उसको रोज़िप का सिरम दिया है, गुड वाइब्स का, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं खुद भी उसको यूज़ करती हूँ और मैंने अपनी विनर को भी वही दिया है। सो आप लोग जल्दी से जाओ और पार्टिसिपेट। मैंने अपने फेस पे कोई भी मेकअप नहीं किया है, आप देख सकते हैं कि मेरा फेस कितना ड्राई हो रहा है। इवन इतना केयर करने के बाद भी अगर मैंने अभी तुरंत फेस वॉश करके आया और अपने फेस पे कुछ नहीं लगाया, लिप बाम नहीं लगाया, कुछ और अप्लाई नहीं किया, तो वो कैसा ड्राई सा टेक्सचर बना हुआ है। और आप सोचिए मैं इस पे डायरेक्ट फाउंडेशन लगा दूंगी तो वो कैसा क्रैकी नहीं होगा, होना ही चाहिए ना। तो कभी भी आप जब भी कोई वेस तैयार करते हैं, आप खुद ही सोचो, जब आप पेंटिंग भी करते हैं तो आपको एक प्रॉपर कैनवस चाहिए होता है, आप किसी भी कैनवस के साथ पेंटिंग नहीं कर सकते। बात पे आपको और भी ध्यान देना है कि आपको बेसिकली जो आप अपना एक्सफोलिएशन करते हैं, स्क्रबिंग करते हैं, मास्क लगाते हैं, इन सब चीज़ों पे आपको भी फोकस करना है। आप थोड़ा स्किन का केयर किया कीजिए, उसके बाद कभी आप मास्क लगा लो। अगर आप नहीं खरीदना चाहते हो तो मैंने बहुत सारे DIY मास्क भी बता रखे हैं आपको, आप उपटन भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप खरीदना चाहते हो तो गुड वाइब्स का उपटन मास्क भी बहुत अच्छा है। दूसरा चीज़ है, आप पील ऑफ मास्क यूज़ कर सकते हैं, पेलिगम्स का पील ऑफ मास्क भी काफ़ी अच्छा है, उसके बाद आप आयुर्वेद का पील ऑफ मास्क यूज़ कर सकते हैं, गुड वाइब्स का टी ट्री ऑयल मास्क भी काफ़ी अच्छा है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे मास्क हैं, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, अभी फिलहाल के लिए हम बात करते हैं कि हमें स्किन का प्रिपरेशन कैसे करना है और फाउंडेशन को कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज करने वाली हूँ वे सारे purple.com। अगर एक आप हाउसवाइफ हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगी कि अगर आप बाकी सब लोगों के उठने से 2 घंटे पहले घर पे उठ जाते हैं मॉर्निंग में, तो आपके घर का एक प्रिपरेशन अच्छे से हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ऑटो स्टार्ट होनी होती हैं मॉर्निंग में, उसके बाद सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। या हम कुछ मेकिंग कर रहे होते हैं, कहीं हमें जाना होता है, कोई पूजा होती है, तो उसकी प्रिपरेशन जब तक अच्छे से नहीं होती है तो उसका उतना एंड रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। सो वैसे ही मेकअप में होता है, बाकी और चीज़ों में भी, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे आपको प्रिपरेशन अपना बेस्ट करना है।
तो सबसे पहले हम अपने फेस को बहुत अच्छे से सेट करेंगे। मेरे कहने का मतलब है सबसे अच्छा मतलब मेन फोकस हमारा होना चाहिए कि हमारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो। प्रिपरेशन में हमें क्या करना है कि अगर आपके फेस पे बहुत एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है तो आप उस को रिमूव कीजिए सबसे पहले। उसमें आपका डेड स्किन और आपके जो हेयर ग्रोथ है वो दोनों रिमूव हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड थिंग होता है आप CTM प्रॉपर कीजिए, क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। आपको बहुत कोई हैवी ब्रांड्स की चीज़ें खरीदने की जरूरत नहीं है, आप बहुत बेसिक चीज़ें यूज़ करके भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो गाइज सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये एल्स गुडनेस का टोनर। मेरा फेस वॉश हो चुका है तो गाइज आपको इस तरह से अप्लीकेशन करना है ताकि आपका जो भी पोर्स है, जो भी आपका स्किन है वो प्रॉपर हाइड्रेट हो जाए, आपका रोज वाटर अंदर चला जाए और आपके पोर्स को ड्राइनेस की जो फीलिंग हो रही थी वो ना हो, आपकी स्किन सूदिंग फील करे। आपको इस तरह से करना है। ये देखिए 20-30 सेकेंड में मेरा जो भी टोनर था वो बहुत प्रॉपर तरीके से अब्सॉर्ब हो चुका है। तो गाइज इसके बाद हमें करना होता है मॉइस्चराइजेशन अप्लाई। आपका ड्राई स्किन है तो आप एक प्रॉपर मॉइस्चराइजर यूज करो। अगर गर्मी है और आप ड्राई स्किन नहीं है, ऑयली स्किन है, तो आप जेल यूज कर सकते हैं, एक बहुत ही लाइट मॉइस्चराइजर, या फिर जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करें, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करें। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही आप अपना स्किन केयर करेंगे। तो गाइज मेरा स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है सो मैं यूज कर रही हूँ नीविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइजर। आप गुड वाइब्स के कोई भी मॉइस्चराइजर, पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर, कोई भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं जो भी आपके स्किन के अकॉर्डिंग होगा। सो आपको कुछ इस तरह से अप्लाई करना है, ये ऐसे स्किन अब्सॉर्ब होता है। आपको बहुत हार्शली भी अपने हाथ को नहीं चलाना है। अगर आपका स्किन बहुत सेंसिटिव होगा तो आपको फाइन लाइंस हो सकते हैं। कुछ इस तरह से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके स्किन को एक हल्का सा मसाज भी मिल जाता है जो कि आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा। फेस वॉश किया था, टोनर के लिए मैंने एल्स गुडनेस का टोनर यूज किया, उसके बाद मैंने नीविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइजर यूज किया। इसके बाद आपको यूज करना है प्राइमर या आप सिरम भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है तो मुझे सिरम हर बार यूज करना पड़ता है गाइज, बिकॉज वो क्रैकी हो जाता है। पहले मेरा बेस पूरा फ्लुएंट होना चाहिए, मेरा फेस प्रॉपर रेडी होना चाहिए। ये गुड वाइब्स का रोज इप सिरम, इसके बहुत सारे रिव्यूज सुने होंगे आपने, आपको अच्छे रिव्यूज ही मिलते हैं। 99.9% लोगों को ये काफी सूट करता है। अगर आपका स्किन ड्राई है तो आपके लिए ये एक रामबाण साबित हो सकता है। मेरी स्किन के साथ इसने बहुत हेल्प किया है मुझे। 15 डेज में मुझे जो रिकवरी मिली है वो मुझे इसके पहले कभी नहीं मिली। एप्लीकेशन के बाद मैं एक मिनट के लिए रुकूंगी और मैं आपको क्योंकि मुझे चाहिए है कि मेरे स्किन में ये अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। इसके बाद हमें प्राइमर यूज करना होता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप सिरम को स्किप कर सकते हैं, बट अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको इतनी प्रिपरेशन करनी ही होगी, प्लस आपको प्राइमर यूज करना ही होगा। पता है गाइज, जब तक हम ये अब्सॉर्ब हो रहा है हम एक बात कर लेते हैं कि जो प्राइमर होता है वो प्राइमर क्या करता है हमारी स्किन के साथ। हमारी स्किन में जो भी पोर्स रहते हैं वो कैसा स्टेक्चराइज्ड होता है। आप उसको कभी भी, कोई भी प्राइमर है आपके पास, आप उसको इस तरह से फील करके देखो, वो पोर्स को क्लोज करता है। पोर्स को क्लोज करेगा तो आपका फाउंडेशन स्किन के अंदर नहीं जा पाएगा, पहली चीज। तो उससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा, आपको एक्ने कॉजिंग नहीं होगा। जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना मेकअप के, वो आपके 50-80% कम हो जाएंगे। उसके बाद प्राइमर का सेकेंड बेनिफिट, पोर्स को फिल कर देगा। आपको, आप कभी भी महसूस करिए कि आप कोई पेंटिंग कर रहे हैं और वो कैनवस खुरदरा है तो फाउंडेशन ऊपर नीचे होगा। दूसरा चीज, खुरदरा है तो मे बी वो रफ है तो वो अब्सॉर्ब करेगा, स्किन के अंदर जा रहा है। कुछ पेंटिंग कर रहे हैं तो कैनवस के अंदर जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो आपको एक चीज समझना है कि आपको अपना जो भी ड्राइनेस, उबड़ खाबड़ जो कुछ भी है उसको प्राइमर के साथ सूदिंग कर लेना है। स्मूथ इफेक्ट आ जाएगा, जैसे ही वो स्मूथ इफेक्ट आएगा आपका स्किन
रेडी हो जाएगा आपके फाउंडेशन के एप्लीकेशन के लिए, और उसके बाद आपको बहुत अच्छा ग्लोई लुक मिलने वाला है। सीरम बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो गया है, जितना अब्सॉर्ब होना चाहिए था। सो मेरे पास दो प्राइमर है, मेरे पास स्विस ब्यूटी का शाइनिंग प्राइमर है, उसके बाद है मेरे पास एन बाई बे का प्राइमर और लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर। इनों ही पसंद है एक्चुअली, बट मुझे स्विस ब्यूटी और एन बाई बे का प्राइमर ज्यादा पसंद है। पर्पल का प्राइमर भी बहुत अच्छा है। अभी हम यूज करने वाले हैं स्विस ब्यूटी का प्राइमर। वो कीम की तरह आता है। दूसरा चीज, ये एज अ प्राइमर है, मॉइस्चराइज भी करता है हमारे फेस को, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये रियल बेस मेकअप के नाम से है। मैंने इसका वाइट कलर का ये ले रखा है एडिशन। सो अगर आपको गोल्डन, पिंक कोई भी पसंद है आप वो ले सकते हैं। मैंने नेचुरल शेड लिया था बिकॉज आई प्रेफर नेचुरल मेकअप। मेकअप भी हमें ऐसा करना है जो बियरेबल हो और जिसको करके हम बाहर जा सकें। सो गाइज, प्रॉपर हमारा प्राइमर हमने लगा लिया है। अभी आपको एक चीज नोटिस करना है, मेरे फेस पे अभी से ही आपको कितना ग्लो दिख रहा है, बट अभी जब फाउंडेशन को हम सेट करेंगे तो आपको मतलब एक आइडिया होगा कि प्राइमर ने क्या जादू किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोनों में से एक भी मेरे शेड का नहीं है तो मैं मिक्स एंड मैच करके अपना शेड। अगर गाइज आपको बहुत ही सिंपल मेकअप पसंद है तो ऑलवेज फाउंडेशन को लिटिल बिट यूज करने पे फोकस करना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमें बहुत ज्यादा फाउंडेशन यूज करके बहुत गोरा दिखना है। अगर आप प्रेफर करते हैं नेचुरल मेकअप, आप प्रोडक्ट को पहले थोड़ा थोड़ा अप्लाई करें बिगनर हैं तो, फिर धीरे धीरे आप बिल्डअप करते जाएं जैसे जैसे स्किन को नीड हो। ब्यूटी ब्लेंडर यूज करने से पहले उसको प्रॉपर वेट करके स्क्वीज करना बिल्कुल ना भूलें। अभी भी ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज नहीं करना। समझ आया होगा कि किस तरह से आप एक बहुत ही ड्यूई और ग्लोई बेस मेंटेन कर सकते हैं। सो गाइज, हमारा बेस रेडी हो चुका है। थोड़ा लाइटर टोन है, थोड़ी देर में ये सेट हो जाएगा। अब हम कंसीलिंग कर लेते हैं और कॉन्टोरिंग कर लेते हैं। ये वाला कंसीलर और रेस्ट पाउडर, मुझे इसका रिजल्ट काफ़ी पसंद है और ये बहुत ही नेचुरल।